आप समझिए कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय आपको तो श्वसन तो बता दिए थे ना, श्वसन पिछले लेक्चर में तो श्वसन हुआ था, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते थे। लेकिन आप क्या है कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना उसको श्वसन कहेंगे, और कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है हम वायु से जो सांस लिए है इसमें ऑक्सीजन था कि नहीं। अब बताइए एक चीज बताइए आप लोग ध्यान से, ये था कोशिका, कोशिका का माइक्रोस्कोप से ऐसा, इसमें कोशिका में क्या था आप सबसे पहले कोशिका ही समझे, ये क्या है कोशिका, आपको विस्तार रूप से इसका जो प्रकार जो बताया ना कोशिका से कितना टाइप का होता है उसमें बताएंगे, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, जितना चीज है तो बताएंगे। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हमें क्या, हमें ये जो बता रहा है ऑक्सीजन गैस कहाँ पहुंचा कोशिका, ये बताइए आपको पाचन तंत्र में आप बताए थे खाना पचकर ब्लड के द्वारा प्रत्येक कोशिका में जाता है कि नहीं, जाकर कहा क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है, तब ये बताइए कोशिका में कोशिका ग्लूकोज बना है कि नहीं, बताइए हर कोशिका में ग्लूकोज है कि नहीं, है ग्लूकोज है कि नहीं बताइए। हाँ तो कोशिका में पहुंचती है और ग्लूकोज, इसमें जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप लोग कन्फर्म सुने हुएगा C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ये प्रत्येक कोशिका में होता है कि नहीं, हम पाचन के द्वारा प्रत्येक पाचन मतलब खाना जो खाए थे उसके द्वारा हर कोशिका में क्या बना है ग्लूकोज बना है। तो ये जो श्वसन लेते हैं जो सांस लेते हैं ये प्रत्येक कोशिका में जाकर ऑक्सीजन गैस प्रत्येक कोशिका में जाकर ये ग्लूकोज का विघटन मतलब ग्लूकोज को तोड़ देता है, ग्लूकोज का क्या कर देता है तोड़ देता है, ग्लूकोज को तोड़कर CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पानी जल के रूप में और ये दोनों के रूप में तो बदलने करेगा, और साथ में एनर्जी ऊर्जा हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे पास ऊर्जा था तो ना हम आपको पढ़ा रहे हैं जैसे कैसे जनरेटर चलाने या बाइक चलाने की पेट्रोल की जरूरत होती है, क्या बिना पेट्रोल का बाइक चलेगा नहीं चलेगा, उसी प्रकार क्या मेरे पास मानी पेट्रोल के रूप में क्या है ग्लूकोज है, हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी क्या हम अति कर पाएंगे, क्या हम पढ़ा पाते नहीं पढ़ा पाते, तो वही प्रकार अब देखिए CO2 बाहर छोड़े CO2 निकल गया बाथरूम के द्वारा पानी निकल गया ऊर्जा हमें मिल गया कि नहीं बताइए, शक्ति मिल गया कि नहीं, ये बताइए जब तक कोशिकीय श्वसन नहीं होता क्या ग्लूकोज का विघटन होता होता, और जब तक ग्लूकोज का विघटन नहीं होता ऊर्जा होता, हमें मिलनी बात अंत तक चीज में क्या पहुंचना है, हमको बॉडी में शक्ति होना एनर्जी होना जिससे हम अपना काम चल मतलब जैसे हम अपने काम चला सके काम कर सके, हमें मेनली बात हमें ऊर्जा प्राप्त करना है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को टूटना ही होगा, ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन को कोशिका में आना ही होगा, जब तक ऑक्सीजन कोशिका में नहीं आएगा क्या तब तक आपको कोशिका ग्लूकोज टूटेगा नहीं टूटेगा। तो आप ये बताइए कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, लाइन पर सॉरी घर पे है इसलिए बार बार कोई ना कोई हाई जाता है सॉरी इसके लिए। अब बताइए कोशिकीय श्वसन का मतलब ही होता है ग्लूकोज को टूटना किसके द्वारा ऑक्सीजन के द्वारा, जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा कोशिका में क्या ग्लूकोज टूटेगा, सुन गए श्वसन तो आप समझ ही गए होइएगा, सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना इसको श्वसन, हमको श्वसन सबसे मिलनी बात श्वसन तो होना ही चाहिए लेकिन श्वसन के साथ हमको कोशिकीय श्वसन भी होना चाहिए, कोशिकीय श्वसन मतलब कोशिका में श्वसन, कोशिका में श्वसन का मतलब ही होता है ग्लूकोज को टूटना, ग्लूकोज के टूटने का मतलब होता है ऊर्जा की प्राप्ति, कोई दिक्कत इसलिए लिख दिए कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में क्या शरीर में ऑक्सीजन गैस प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, ऑक्सीजन गैस प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगी, ऑक्सीजन गैस कोई दिक्कत पहुंचती है यहाँ लिखे पहुंचती है और ग्लूकोज का विखंडन कर देती है, ये कोशिका में ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का क्या कर देती है विखंडन क्या करे विखंडन तोड़ देती है, अब तोड़ कर हमें क्या प्राप्त होती है हमें ऊर्जा तोड़ती है और इससे हमें क्या प्राप्त होती है ऊर्जा प्राप्त होती है, वही चीज को हम अच्छे से लिख दिए है कि नहीं जो आपको समझा रहा है लिख दिए कि नहीं बताइए यहाँ पे, तो हमें ऊर्जा प्राप्त हुआ ये विखंडन से हमें क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए,
ऊर्जा ऊर्जा हमें हमेशा एटीपी के लिए, तो माना में जैसे हम लोग पेट्रोल खरीदने जाते हैं गाड़ी को चलाने के पेट्रोल चाहिए नहीं, उसी पर हम ऊर्जा को क्या बोलते हैं एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पोषण चैप्टर में आपको बताया था, इसका प्रूफ में बताया था, कोई दिक्कत इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। कोशिकीय शोषण क्या होता है? कोशिकीय शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या, जिसमें ऑक्सीजन गैस प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है और कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन करती है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस सभी प्रक्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। आप बताइए याद हुआ कि नहीं? सबसे पहली बात, मानव शरीर में ऑक्सीजन गैस कहाँ जाना चाहिए बताइए बताइए, कोशिका तक, और कोशिका में क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज जाकर क्या होगा ग्लूकोज का विघटन करेगा, ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज का विघटन करके हमें क्या प्राप्त होगा ऊर्जा, ऊर्जा प्राप्त हो गया तो हम कोशिकीय शोषण हो गया। इतने चीज आपको बताए नहीं, अब इतना चीज को हम कैसे लिख पाएंगे बताइए, इतना आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं? कोशिकीय शोषण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में ऑक्सीजन गैस प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन करती है जिससे हमें ग्लूकोज ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस सभी प्रक्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब समझना है कोशिकीय शोषण कितना टाइप का होता है, ये विशेष रूप से समझना है तभी आपको समझ में आ पाएगा। अब अच्छे से बताइए, ये समझ में आ गया? चलिए ये देखिए, ग्लूकोज भी हम आपको बता ही देते हैं, ग्लूकोज का इसको कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है रासायनिक सूत्र C6H12O6। ऑक्सीजन पहुंचकर कहां कोशिका में, कहां पहुंचेगा कोशिका में, ऐसे लिख लीजिए कोशिका में क्या पहुंचेगा ऑक्सीजन गैस, तो इसको किसमें तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसको स्ट्रोक मतलब पानी होता है, और साथ में क्या बनेगा ऊर्जा, क्या बनेगा ऊर्जा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आप हमें ध्यान देना है अच्छे से, कोशिकीय शोषण होता है दो टाइप का, कितना टाइप का होता है दो टाइप का होता है। कोशिकीय शोषण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कोशिकीय शोषण क्या होता है दो, एक अनोक्सी, अनोक्सी शोषण, इसके बाद ऑक्सी, ऑक्सी शोषण। आप बताइए अ का मतलब हिंदी में न होता है कि नहीं, इसका मतलब न हुआ कि नहीं, ये बताइए ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, क्या होता है ऑक्सीजन, वैसा कोशिकीय शोषण जिसमें ऑक्सीजन हेल्प करे उसको कहते हैं ऑक्सी शोषण, वैसा कोशिकीय वैसा अवक्रिया, वैसा शोषण अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन मदद न करे, इसमें ऑक्सीजन मदद न करे, ऑक्सीजन मदद न करे, कोई दिक्कत, इसको क्या कहते हैं अनऑक्सी शोषण। इतना बात समझे कि नहीं? ऑक्सीजन के द्वारा ही ऑक्सी शोषण होगा कि नहीं, ऑक्सीजन के द्वारा ही शोषण होना ही ऑक्सी शोषण, ऑक्सीजन के बिना शोषण होना अनऑक्सी शोषण, इसी को आप एक अलग नाम दे दिया गया वायवीय शोषण, वायवीय, वायवीय शोषण, इसी को बोल दिया गया अन अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। कोई दिक्कत? ये दोनों एक ही के नाम है, कोई दिक्कत? आप बताइए कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर ग्लूकोज का विखंडन करती है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इस अभिक्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। कोशिकीय शोषण दो टाइप के होते हैं, ऑक्सी अनऑक्सी, ऑक्सी सॉरी अनऑक्सी और ऑक्सी। पहले सबसे पहले प्रक्रिया होगी अनऑक्सी का, ये प्रक्रिया होगा तभी इसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होगा, इसके बिना ये प्रक्रिया स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले कौन सा क्रिया होगा? अनऑक्सी, ऑक्सीजन के बिना क्रिया होगा, फिर देखें ऑक्सीजन के बिना शोषण होना अनऑक्सी शोषण, अनऑक्सी अनऑक्सी, इसको अवायवीय बोलेंगे, सॉरी अवायवीय, इसको वायवीय, अवायवीय, वाय का मतलब होता है वायवीय में से हवा, हवा में ऑक्सीजन होता है, हवा के बिना ऑक्सीजन अति होना शोषण होना इसे अवायवीय, इसी को अनऑक्सी, ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन के बिना लिख देता हूँ। और ऑक्सी शोषण में ही होता है क्या होता है
ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ इसी को होते वायवीय श्वसन। कोई दिक्कत? कोई नहीं। हम हमेशा आपको बोले कोशिका, कोशिका, कोशिका बोले आपको नाइन्थ क्लास में पढ़ाए थे, या लेक्चर देख लीजिएगा पिछला लेक्चर, ये हो गया कोशिका। क्या हो गया? कोशिका। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं बताइए, लाइसोसोम होता है कि नहीं, गोल्जी बॉडी होता है कि नहीं, ये बताइए, राइबोसोम होता है कि नहीं, बताइए बताइए बताइए, केंद्रक होता है कि नहीं, ये सब पूरा द्रव जैसा होता है, इसको कोशिका द्रव बोलते हैं कि नहीं, कोशिका द्रव। कोई दिक्कत? आपको अभी जो श्वसन पढ़ना है सिर्फ एगो का काम है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको इसमें दिक्कत है कोशिका पूरा समझने में, आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो अगला चैप्टर आपको कोशिका पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हमें देखना है सिर्फ इस सब का काम नहीं है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, 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 इस सब कोई केंद्रक जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, इस सब का अभी कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव जो पानी जैसा है उसका काम है। तो इसको क्लीन करता हूं। आप देखिए यहाँ पे हम ये दोनों अवक्रिया, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये बताइए कोशिका श्वसन दो टाइप के होते हैं, हम यहीं पे छोटा दूर में लिखते हैं अनौक्सी श्वसन, अनौक्सी जिसको अवायवीय बोलते हैं, अवायवीय श्वसन, सेकेंड होता है ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन जिसको कहते वायवीय श्वसन। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कोशिका श्वसन कितना टाइप का हुआ? दो टाइप का हुआ, ये हम यहाँ पे बांट दिए, समझे? यहाँ पे देख ध्यान दीजिएगा, अब होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोशिका क्या हुआ, कोशिका, कोशिका क्या हुआ, यहाँ पे हम यहाँ पे कोशिका पिक्चर बना देता हूं, पिक्चर क्यों नहीं बनाया भाई, ये हो गया कोशिका का पिक्चर, किसका पिक्चर हुआ, कोशिका, माइक्रोस्कोप ऐसा ही होगा। कोई दिक्कत? आपको हमें इसमें काम करना है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? आई जो पानी जैसा है इसको कहते हैं कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। समझ में आया? तो ये पूरा कोशिका है कि नहीं, पूरा अंग ही कोशिका है कि नहीं, बताइए ये कोशिका है कि नहीं, कोशिका है। चलिए ये कोशिका में कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए आप नाइन्थ में पढ़े हुएगा, हमारे शरीर का पावर हाउस, कौन किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब क्यों कहते हैं आज समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको पिछले लेक्चर में बताया था श्वसन अंग के बारे में, श्वसन अंग में हम जो सांस लेते हैं इसे कहते हैं नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, बताया था कि ब्रोंकाई, 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 ब्रोंकियोलिस, 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 ये क्या होगा, आप बताइए, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, ये है एल्वियोली, 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 एल्वियोली है। आप होता क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हवा पहुंचता है, यहाँ पे हम ब्लू पेन ले देता हूँ, ब्लू मार्कर, यहाँ पे ले लो, अभी इसमें इंक आ गया होगा, हाँ हवा यहाँ पहुंचा, नाक के ई ना ई क्या हुआ बताइए, नासा छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंग, लेरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली, नीचे ई डायफ्राम तो मदद करते करता है, डायफ्राम, वे डायफ्राम को छोड़िए, डायफ्राम मेरा जगह भी घेर ले, और डायफ्राम अपना अपना सिकुड़ता फैलता, सिकुड़ता फैलता, तो वही है। आप बताइए हवा इसे पहुंचा, हवा में सबसे पहले हवा जो अंदर गया, हवा में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, CO2 है
0.03%, इतना तो जानते हैं। अब बताइए इस एल्वियोली के बगल में हमारे क्या है, ब्लड है, ब्लड सेल। ब्लड सेल का मतलब जो नस ले जाने वाला जो होता है ना, नस ले जाने मतलब ब्लड को ले जाने वाला नस, नस जो जिसको जिसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड, ब्लड रक्त वाहिका, रक्त वाहिका, वाहिका को नस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब इस बगल में क्या है, नस सब है यहाँ। तो ऑक्सीजन यहाँ आते है, ये क्या है, हवा पहुँचा, हवा पहुँचा, हवा समय पहुँचा, हवा समय पहुँचा, हवा पहुँचा, हवा यहाँ तक आया, इसमें पहुँचा है, ये क्या किया इसमें, ये ब्लड में, ये जो ब्लड वाहिका होते हैं, ब्लड वाहिका मतलब रक्त वाहिका, रक्त वाहिका का मतलब नस वाहिका, रक्त वाहिका में ब्लड हुआ कि नहीं, रक्त होगा कि नहीं बताइए, ब्लड, ब्लड का मतलब रक्त। अब बताइए ब्लड, खून जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, खून, खून में हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को एचबी से सूचित कर देते हैं, हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन आई बताइए, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है कि नहीं होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब भी ऑक्सीजन को देखता है इसका दिमाग अथी हो जाता है, आकर्षण करने का मन करता है, ये सिर्फ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही पसंद करता है, बाकी को पसंद करता ही नहीं, नाइट्रोजन को पसंद करेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड को, सिर्फ डायरेक्ट ऑक्सीजन को पसंद कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ब्लड ये हवा के द्वारा जैसे सारा था N2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब पहुंचेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ई कहेगा ब्लड भाई आ जा आ जा आ जा, तो ई ऑक्सीजन क्या इसमें आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसमें, रक्त वाहिका में आ जाएगा, सब में ई रक्त वाहिका, रक्त वाहिका में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो आप बताइए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सी सॉरी इसमें ब्लड में तो हीमोग्लोबिन तो ही है पहले से, ये हीमोग्लोबिन किसको पसंद करता है, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को बुला लेता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मिल जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मिल जाता है, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप क्या कहेगा, क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे रक्त वाहिका सब प्रत्येक कोशिका में ये ब्लड को ले जाता है, ब्लड को हर कोशिका में ब्लड को ले जाएगा, हर कोशिका किसका बना होगा, कोशिका का बना होता है बताइए, कोशिका बना होता है कि नहीं, कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आप यहाँ पर ये तो बात समझ गए, अब जब तक यहाँ रक्त ब्लड तक ऑक्सीजन नहीं आएगा, क्या ये ऑक्सीजन को देख पाएगा, ये रक्त वाहिका ये जो नस है ये क्या ऑक्सीजन देख पाता, तो ऑक्सीजन आने के लिए हवा आना पड़ेगा कि नहीं, हवा का तीनों आता है, लेकिन ये रक्त में हीमोग्लोबिन किसको पसंद करता है, किसको पसंद कर देगा बताइए, मतलब ऑक्सीजन को, जैसे आपके से मतलब आपके दोस्त लड़की लोग मतलब जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ सहेली आए, तो अब आप गर्लफ्रेंड को पसंद करते हैं, तो अब गर्लफ्रेंड को लीजिएगा कहीं घुमाने के लिए ले जाइएगा, बाकी सहेली को ले जाइएगा घर जाइए, तो इसी प्रकार सब गैस को बोल देते जाइए जाइए बैक होइए, आप ये अपनी गर्लफ्रेंड को ऑक्सीजन को लेकर निकल जाता कहाँ, हर कोशिका तक निकल जाता है, कहाँ तक, हर कोशिका तक। अब बताइए यहाँ पे ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, अब यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, अब हमको आप एक कोशिका में एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी है कि नहीं बताइए, आई ये कोशिका द्रव्य भी है। अब यहाँ पे क्या आ गया, हर कोशिका में क्या आ गया बताइए, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आया कि नहीं, कोई दिक्कत, तो ई कोशिका में प्रवेश किया, अब कोशिका में प्रवेश किया ई क्या है बताइए, ई कोशिका द्रव्य है, क्या है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में ई मतलब ऑक्सीजन को देखेगा, लेकिन ऑक्सीजन को क्रिया नहीं, ई जैसे खून को देखेगा, ब्लड को देखेगा, इसे देखते ही ई ग्लूकोज ई देखते ही क्या करेगा, ई कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो बना होता है, कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज होता है, सबसे पहले कोशिका द्रव्य में क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते ही ऑक्सीजन से हेल्प नहीं लिया, जैसे आप और जैसे आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे सर को आते हुए देखते आप ऐसे बोलने लगते पढ़ने लगते हैं, उसी प्रकार क्या सर अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, सर अभी घूम रहे हैं सब क्लास में देख रहे हैं, सर जैसे आप आपका मतलब आप सर को देख रहे हैं, देखे आप खड़ा पढ़ने लगे, लग रहा है बहुत देर से पढ़ा है, उसी प्रकार जैसे कोशिका द्रव्य में ये ऑक्सीजन को देखता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित उपस्थित जो ई है जो कोशिका द्रव्य होता है उसी क्या करेगा, सबसे पहले 4 ATP ऊर्जा बना लेगा, क्या बना लेगा, 4 ATP ऊर्जा बना लेगा, कोई दिक्कत
सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इतना बात समझ में आया कि नहीं बताइए। आगे ये कोशिका द्रव्य में ही क्रिया हो रहा है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया छोड़िए, अभी कोशिका द्रव्य में, और सेकेंड में क्या हो गया, ये ग्लूकोज जो होता है इसमें कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज, ग्लूकोज का विघटन हो जाएगा, ग्लूकोज का विघटन टूट जाएगा। ग्लूकोज के विघटन को ही ग्लाइकोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिस। बाद में बताएंगे। ग्लूकोज का विघटन हो जाएगा, ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज टूटकर दू पाइरूविक एसिड में, पाइरूविक अम्ल में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हवा कहाँ आया? एल्वियोली, मतलब वाई कोष्ठ में आया। वाई कोष्ठ में ऑक्सीजन को देखकर हीमोग्लोबिन कहाँ ले जाएगा? प्रत्येक कोशिका में ले जाएगा, प्रत्येक कोशिका में ले जाएगा। कोशिका द्रव, कोशिका के किसमें कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होता है नहीं, कोशिका द्रव में क्या होगा, देखते ऑक्सीजन को देखते हुए 4 ATP बना लेगा। क्या बना लेगा? 4 ATP। 4 ATP बनाकर साथ में ग्लूकोज का विघटन कर देगा। क्या बोला? ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज को तोड़कर दू गो पाइरूविक अम्ल में, क्या पाइरूविक अम्ल में तोड़ देता है। आप बताइए, इसमें से दू गो पाइरूविक अम्ल तोड़ने के लिए इसमें से दू गो ऊर्जा, 2 ATP का इसमें 2 ATP खर्च हो जाता है। इस दोनों पाइरूविक अम्ल बनाने में, अम्ल बनाने में, पाइरूविक अम्ल बनाने में क्या गो ATP खर्च हो जाता है? 2 ATP खर्च हो जाता है। कोई दिक्कत? 2 ATP तो खर्च हो गया, अब बचा क्या? बना क्या होता? 4 गो, 2 गो खर्च हुआ, बचा क्या गो? 2 गो। तो 2 गो जो बचा उसी को लाभ बोलिए। इसके साथ क्या गो का लाभ हुआ? 2 गो ATP का लाभ भी हुआ। हमें ये आया था 4 ATP बनाने, इसको बनाने के लिए, ग्लूकोज को विघटन करने के लिए, लेकिन इससे काम क्या गो हुआ? 2 ATP का काम ही हुआ। जैसे हम घर से मिला 100 रुपया, हमें कॉफ़ी खरीदना है, तो हम मान लीजिए हमको 98 में ही इसको बोले भाई हमको दे दो 98 ही दे दो, तो 98 रुपया में दे देता है, 2 रुपया हमको बचता है, क्या हम 2 रुपया वापस कर देते हैं? नहीं कर देते घर पे, तो 98, तो 2 रुपया हमको नफा हो जाता है कि नहीं? उसी प्रकार 2 पाइरूविक अम्ल भी बन जाता है और 2 ATP बच भी जाता है। कोई दिक्कत? इतना समझिए, पहले अच्छे से लिखिए इसको, अच्छे से हो गया। आप देखिए, इतना समझिए कि नहीं, पहले बताइए, समझ गए होइएगा? समझ गए? अब हम इसको क्लीन कर देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, क्लीन कर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, फिर से समझिएगा यहाँ पे अच्छे से, एक बार फिर से समझिए, तो आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। हमको कोशिकीय श्वसन में, कोशिका में श्वसन होना, सुनिए, कोशिका में श्वसन का मतलब क्या होता है बताइए? हमें कोशिका में जो ग्लूकोज है उससे हमको क्या प्राप्त करना? ऊर्जा प्राप्त करना है। हमको कोशिकीय श्वसन में एक ही चीज प्राप्त करना है, ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? ऊर्जा किस रूप में? ATP के रूप में हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। हम समझ गए कोशिकीय श्वसन हो गया। अब यहाँ पे समझिए, समझिए यहाँ पे है कोशिका, है कोशिका में पानी जैसा होता है, इसको कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। हम यहाँ पे लिख देता हूँ, कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे हम सांस लिए ना, यहाँ से सांस लेते हुए नासा छिद, नासा कपाट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली तक जैसे आता है हवा, हवा आता है, ये बगल में क्या होता है? नस होता है, नस में खून बहता है, खून जाता है, खून में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किसको आकर्षित करेगा? इसको कौन पसंद है बताइए? इसको पसंद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है, तो ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा। इसको हम लाल पेन से दिखा देता हूं, हीमोग्लोबिन आ रहा है, हीमोग्लोबिन देखिए, जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन यहाँ पे जाना है इसको, कोशिका के अंदर कहाँ तक पहुँचना है? माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचना है ऑक्सीजन को। ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। किस, क्या है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है कि नहीं? लाल होता है। हीमोग्लोबिन एल्वियोली मतलब वायु कोष्ठ से, में वायु कोष्ठ के पास कौन आता है? ब्लड वेसल होता है, मतलब रक्त वाहिका होता है। रक्त वाहिका में क्या होता है?
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसको आकर्षित करेगा? अपनी गर्लफ्रेंड, कौन सा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर प्रत्येक कोशिका में, पूरा शरीर कोशिका का बना होता है, प्रत्येक कोशिका में आकर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेन बात ऑक्सीजन को जाना इसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। तो जैसे यहाँ ऑक्सीजन आएगा यहाँ कोशिका द्रव देख लेगा तो कोशिका द्रव जैसे देखेगा तो फटाक से डर से क्या करेगा, 4 ATP ऊर्जा बना लेगा। कितना ATP? 4 ATP ऊर्जा का निर्माण, 4 ATP का निर्माण। इससे ऑक्सीजन से हेल्प लिया नहीं, ये ऑक्सीजन कुछ नहीं किया, ये सिर्फ कोशिका द्रव देख कर ही अपने डर से ही 4 ATP पहले ही बना दिया। कोई दिक्कत? कैसे हम कोई सर को देख कर कैसे आ जाए वो होमवर्क बना लेते, उसी प्रकार 4 ATP का निर्माण कर लिया। सेकेंड में क्या करेगा, इसमें कोशिका द्रव में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को आपको बताया कि है ग्लूकोज, ग्लूकोज आपको बताया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है कि नहीं। ये ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ देगा। ये कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज पहले से उपस्थित है ये ATP के मदद से ग्लूकोज को तोड़ देगा, मतलब ग्लूकोज का विघटन क्या कर देगा, विघटन। ये ग्लूकोज के विघटन की क्रिया को ही बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। आपको ये क्वेश्चन आता है आपको, ग्लाइकोलाइसिस क्या किसे कहते हैं? तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज के विखंडन को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कोशिका द्रव में ग्लूकोज के विखंडन को क्या कहते हैं, सॉरी कुछ दिनों से मेरा तबियत खराब चल रहा है इसलिए थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। आप बताइए, ग्लूकोज का विखंडन कर देगा। अब ग्लूकोज का विखंडन किस रूप में करेगा, ग्लूकोज का विखंडन करके क्या बना देगा, ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाएगा, दूगो पाइरूविक अम्ल बना देगा, एसिड बना देगा। एसिड को ही अम्ल बोलते हैं, दूगो क्या बनाएगा, पाइरूविक अम्ल क्या बनाएगा, दूगो। तो हमको ऐसे ही इसको लिख सकता हो कि बताइए सर, एगो पाइरूविक अम्ल, पाइरूविक अम्ल इसको एसिड बोलते हैं, एगो और पाइरूविक अम्ल, पाइरूविक अम्ल। आप बताइए, एक ग्लूकोज का विखंडन करने के फलस्वरूप एगो पाइरूविक अम्ल बनाने में एगो ATP लगा, खर्च हुआ। ये पाइरूविक अम्ल बनाने में एगो ATP खर्च हुआ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास पहले कोशिका द्रव में क्या ATP बना था, 4 ATP बनाना था, एगो ATP इसमें खर्च हुआ, एगो ATP इसमें खर्च हुआ, बचा क्या गो, दूगो ATP बचा। तो हम यहाँ पे लाभ लिख देते, लाभ क्या गो, ATP का लाभ, दूगो ATP का लाभ हो गया। कोई दिक्कत, क्या गो ATP का लाभ हो गया, दूगो। क्यों दूगो, 4 ATP का निर्माण हुआ था, हमको 4 खर्च करना था, लेकिन इसमें एक ही ATP खर्च हुआ, इसमें एक ही ATP खर्च हुआ। तो हम, मेरे पास क्या गो ATP बचा, 2 ATP बचा। अब बताइए यहाँ पे लाभ क्या हुआ, ATP का हुआ, 2 ATP। तो आपको पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP का लाभ होता है, आप बोलिएगा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 ATP का लाभ होता है। अब क्या हुआ, ये 2 पाइरूविक अम्ल होता है किसमें बना, कोशिका द्रव में। दोनों पाइरूविक अम्ल कहाँ पहुंचता है, ये दोनों पाइर, हम इसको पी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पी, इसको पी बोल देते हैं। ये पाइरूविक अम्ल कहाँ बना, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव ई है, दो पाइरूविक अम्ल बना, ये पहुंच गया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पहुंच गया, यहाँ से बनने के बाद कहाँ पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आया रहता है, ऑक्सीजन आया रहता है, कोई दिक्कत, कौन आया रहता है, ऑक्सीजन, कोई दिक्कत, पहले से ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे पाइरूविक अम्ल पहुंचेगा, पाइरूविक एसिड पहुंचेगा, तो एक इसका विखंडन कर देगा, पाइरूविक अम्ल का विखंडन करके विखंडन कर देगा, तोड़ देगा, क्या कर देगा, तोड़ देगा। और तोड़ कर क्या करेगा, एगो पाइरूविक अम्ल से 18 ATP बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। पाइरूविक अम्ल तोड़ कर कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पे, हम ई क्रिया हो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ये बताइए ध्यान से, पाइरूविक अम्ल बना कहाँ था, कोशिका द्रव में। पाइरूविक अम्ल बन के कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में गया, ये ऑक्सीजन क्या कर दिया, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पाइरूविक अम्ल को तोड़कर कै गो ATP बनाएगा, 18 ATP बनाएगा। ये
इस पैडुपी अम्ल को तोड़कर क्या गो एटीपी बनाया, 18 एटीपी बनाया। कोई दिक्कत, इतना प्रॉब्लम है क्या? आप बताइए ग्लूकोज का विघटन कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। पैडुपिक अम्ल का विघटन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है कि नहीं, अरे है कि नहीं बताइए, है ई है, पानी जैसा है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में किसका विघटन होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का विघटन होकर क्या बनेगा, दो गो पैडुपिक अम्ल बनेगा। आप बताइए आपका साथ में क्या लाभ हुआ, दो गो एटीपी का लाभ हुआ। पैडुपिक अम्ल, एक पैडुपिक अम्ल का विघटन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा का पैडुपिक अम्ल का विघटन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक पैडुपिक अम्ल के विघटन से 18 एटीपी बना, अगला पैडुपिक अम्ल के विघटन से 18 एटीपी बना। आप बताइए पहले से इसमें कोशिका द्रव्य में क्या गो एटीपी है, दो गो एटीपी पहले से बना है, तो इसमें दो गो एटीपी अब जोड़ दीजिए। आप बताइए 8, 16, 2, 18, 1, 2, 3, 38 एटीपी हुआ कि नहीं, बताइए हमें 38 एटीपी चाहिए, क्यों चाहिए। 38 एटीपी से हमें एक ग्लूकोज बनेगा, एक ग्लूकोज ऊर्जा बनेगा। कोई दिक्कत, ग्लूकोज कोई दिक्कत, इतना प्रॉब्लम है क्या, बताइए यहाँ पे, बताइए ध्यान से। 38 एटीपी क्या किया, ग्लूकोज। अब मेन ग्लूकोज हमें क्या चाहिए, यही एक ग्लूकोज का मतलब है होता है, एक ग्लूकोज मतलब ये 38 एटीपी बनाकर एक ग्लूकोज बनाया। एक ग्लूकोज हमें मेन बात हमें ऊर्जा, तो इससे कितना ऊर्जा प्राप्त हुआ, 4.2 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। 38 एटीपी रहेगा तभी हम 4.2 एक ग्लूकोज से हमको कितना ऊर्जा प्राप्त है, 4.2 किलो कैलोरी। हमें सारा दिन में प्रत्येक दिन में हमें कितना किलो कैलोरी चाहिए, 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त, ऊर्जा की जरूरत होती है। कितना ऊर्जा की जरूरत पड़ती है एक दिन में, 2500 किलो कैलोरी। ठीक है, एवरेज में मतलब औसत में 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता हो ही जाती है, 2500 या 2700। कोई दिक्कत, हमें 38 एटीपी बनाना होगा कि नहीं, जब तक 38 एटीपी नहीं बनाए क्या हमको एक ग्लूकोज बनेगा। हम 37 एटीपी बना भी लेंगे एक ग्लूकोज, हमको एक ग्लूकोज बनने के लिए एक ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होगा, 4.2 किलो कैलोरी। तो हमें 4.2 किलो कैलोरी बनाने के लिए एक ग्लूकोज चाहिए। एक ग्लूकोज बनने के लिए हमें क्या एटीपी चाहिए, 38 एटीपी चाहिए। 38 एटीपी बनाने के लिए हमको कोशिका द्रव्य में 2 एटीपी किस प्रक्रिया से, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से रहेगा, और इसमें पाइरूविक अम्ल को तोड़कर 36 एटीपी बना के नहीं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या गो एटीपी बना, 36 एटीपी, और कोशिका द्रव्य में क्या गो एटीपी बना, 2 एटीपी बना। आपका क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी बना, 36 एटीपी। एक पाइरूविक अम्ल टूटकर 18 एटीपी, तब दो अम्ल टूटकर कितना, 36 एटीपी, और दो गो यहां से कोशिका द्रव्य से। तो आप बताइए एक कोशिका से कितना एटीपी बना, 38 एटीपी। तो हम ना ये बताइए सबसे ज्यादा एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए ना कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। जैसे हमारे घर में बिजली आता है, पावर हाउस से बिजली आता है कि नहीं, उसी प्रकार हमारा ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से क्यों होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी बनता है, कोई दिक्कत। अब कोशिका ये बताइए कोशिका द्रव्य में क्या होगा, कोशिका द्रव में ही ना किसका होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया किसे कहते हैं, ग्लूकोज का विघटन को कहते हैं, कोई दिक्कत। ग्लूकोज का विघटन होगा क्या बनेगा, दो गो पाइरूविक अम्ल बनेगा। दो गो पाइरूविक अम्ल का विघटन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दो गो माइटोकॉन्ड्रिया में विघटन होकर बताइए 36 एटीपी बनेगा। अब 35 से 2, दोनों मिलाकर 38 एटीपी से एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का मतलब 4.2 किलो कैलोरी। अब हमको 2500 किलो कैलोरी चाहिए, तो सारा दिन प्रक्रिया होकर 2500 किलो कैलोरी हो जाएगा, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो कोशिकीय शोषण हमें क्या होना चाहिए, कोशिकीय शोषण से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये आप अच्छे से लिखिए। अब आपको समझाते ये दोनों प्रक्रिया, ये दोनों आप समझ में आएगा, वो अच्छे से समझ में आएगा। आप बताइए
ये थोड़ा सा कोशिकीय मतलब श्वसन तंत्र में सबसे हार्ड थोड़ा सा समझना यही है। अब आपको समझ में आएगा, तो समझ में आ चुका होगा। अब इसी को हम अच्छे से लिख उठ कर बताते हैं आपको सारा चीज। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं बताइए, कोशिका में होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन से हमको क्या चाहिए, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कोशिका में जैसे मानव शरीर में ऑक्सीजन पहुंचकर, मानव शरीर के कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचकर क्या करती है, ग्लूकोज का विघटन करती है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विघटन होकर क्या प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति। हमें ऊर्जा की प्राप्ति होना ही, ऊर्जा की प्राप्ति कब होगी, कोशिकीय श्वसन से होगी। क्या कोशिकीय श्वसन होगा तब नहीं होगा तो क्या ऊर्जा की प्राप्ति होगा, नहीं। कोशिकीय श्वसन के बिना ऊर्जा की प्राप्ति होगा, नहीं। तो कोशिकीय श्वसन होना ही है, तो कोशिकीय श्वसन समझ में तो आ ही गया होगा अच्छे से। अब बताइए आप कोशिकीय श्वसन कितना टाइप का होता है, बताइए आप सारा चीज समझ में आया। कोशिकीय श्वसन हो गया दो टाइप का, कितना टाइप का, सबसे पहले आपको बताया था अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन का मतलब अवायवीय, अवायवीय, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। और सेकेंड में होता है ऑक्सी श्वसन, क्या होता है ऑक्सी श्वसन। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सी ऑक्सी श्वसन का मतलब ही होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, हम हमेशा बोले थे ये क्या है, कोशिका है, ये क्या है कोशिका है, कोशिका नहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है कोशिका द्रव है, क्या है कोशिका द्रव है। तो कोशिका द्रव में क्या ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो क्या हम ऑक्सीजन की देखे लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प लिए, नहीं। तो यहाँ हमको ऑक्सीजन हेल्प, तो ये प्रक्रिया कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव में क्या होगा, अनोक्सी श्वसन। तो अनोक्सी श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, कहाँ होता है कोशिका द्रव में। तो आप बताइए अनोक्सी श्वसन किसे कहते हैं, कोशिका द्रव में होने वाले श्वसन को अनोक्सी श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव जो पानी जैसा है कोशिका, ये पूरा कोशिका हुआ, कोई दिक्कत, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ कोशिका द्रव में। आप बताइए कोशिका द्रव में श्वसन कैसे होता है, कोशिका द्रव में ये बताइए हीमोग्लोबिन, हम हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन लेके आया, हीमोग्लोबिन क्या करके लाया, ऑक्सीजन लेके आया। ऑक्सीजन को देखते ही, ऑक्सीजन को जैसे ही देखा माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका द्रव ये क्या किया बताइए, ध्यान से अच्छे से बोलते बताइए जल्दी, रिकॉर्डिंग हो गया है, हो रहा है क्या, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब बताइए यहाँ पे कोशिका द्रव ई बताइए, ये सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले चार एटीपी का निर्माण करेगा। कोशिका द्रव में क्या होगा, चार एटीपी का निर्माण होगा। सेकंड में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया किसे कहते हैं, ग्लूकोज के विघटन को ही ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का विघटन, जो पहले से हम खाना खा के जो बचा, जो ग्लूकोज बनाया थे कोशिका में, उस ग्लूकोज का विघटन होगा। अभी ई है कोशिका द्रव, क्या है कोशिका द्रव, ई है कोशिका द्रव, यहाँ पे लिख देता हूँ तब आपको समझ में आते जाएगा। अभी जितना अभी बता रहा है, क्या इसमें ऑक्सीजन हेल्प हुआ, नहीं ऑक्सीजन हेल्प हुआ। तो ऑक्सीजन के बिना श्वसन होना अनोक्सी श्वसन कहलाता है, या कोशिका द्रव में होने वाले श्वसन को अनोक्सी श्वसन कहते हैं हम। तो आप बताइए ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज का विघटन होके क्या बनाएगा, दूगो पाइरूविक एसिड बनाएगा, पाइरूविक अम्ल बनाएगा, पाइरूविक अम्ल बनाएगा, क्या होगा दूगो, कहाँ पे, कोशिका द्रव में ही, यही पढ़ाए थे। तो आपको यही लिखना है, हम इतने ही चीज को आपको लिखने, लिखना कैसे आपको बताएंगे, कोशिका द्रव में हो गया। अब देखिए पाइरूविक अम्ल, पाइरूविक अम्ल, आप बताइए चार इसमें खर्च क्या हुआ, दूगो एटीपी खर्च हो गया, बचा क्या दूगो एटीपी, दूगो एटीपी। तो आप बताइए अनोक्सी श्वसन कैसे लिखिएगा, कोशिका द्रव में होने वाले श्वसन को कोशिकीय अनोक्सी श्वसन कहते हैं, या इसे ही अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप चार एटीपी का निर्माण होता है और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज का विघटन होकर दूगो पाइरूविक अम्ल बनता है। दूगो पाइरूविक अम्ल बनने में दू एटीपी खर्च हो जाता है और बच जाता है दूगो एटीपी बनने में। जैसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंतर्गत फलस्वरूप दू एटीपी का लाभ होता है, 2 ATP का लाभ होता है। यहाँ पर 2 ATP का क्या हो, लाभ हुआ। मैं यहाँ पर लाभ लिख देता हूँ, इतने चीज लिख देना है,
लिख दीजिएगा, समझ लीजिए, कोई दिक्कत। अब हमें चलना है एक कोशिका का, अब कोशिकाधर में काम खत्म, कोशिकाधर में काम खत्म, अब माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहले से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है कि नहीं। आप देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या टूटेगा, पाइरूपिक अम्ल, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन का। आप बताइए ऑक्सीजन होगा कि नहीं, बताइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पाइरूपिक अम्ल को तोड़ देगा, क्या कर देगा, तोड़ देगा, तब पाइरूपिक अम्ल का विघटन। अब इस लाल पेज बनाता हूँ, ई कहाँ होता है, ई बताइए ई कहाँ, ऑक्सीजन शोषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पाइरूपिक, पाइरूपिक अम्ल का, अम्ल का विघटन, विघटन होगा, अम्ल का विघटन होता है, कोई दिक्कत, पाइरूपिक अम्ल का विघटन, एक पाइरूपिक अम्ल से क्या को, 16 को क्या 18 को, 18 को बनता है 18 एटीपी, इस अम्ल, इस पाइरूपिक अम्ल से भी 18 एटीपी बना। आप पहले से आई बताइए 18 36 हुआ तो हमको माइटोकॉन्ड्रिया में कितना एटीपी बन गया, 36 एटीपी बन गया, कोई दिक्कत। तो आप बोलिए ऑक्सीजन शोषण किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले शोषण को ऑक्सीजन शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन शोषण का दोबारा कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन शोषण में ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का मदद लिया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा पाइरूपिक अम्ल को तोड़कर, ये जो पाइरूपिक अम्ल का जो विघटन होता है उसको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये वो क्रेप्स नामक वैज्ञानिक था, कौन सा नामक वैज्ञानिक, क्रेप्स वैज्ञानिक था, कौन सा वैज्ञानिक, क्रेप्स वैज्ञानिक, क्रेप्स, क्रेप्स वैज्ञानिक था, क्या खोज किया था, ये जो पाइरूपिक अम्ल का विघटन के बारे में खोज किया था, यही खोज किया था। तो आपको, आपको क्वेश्चन आ गया, क्रेप्स चक्र किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले शोषण को ही क्रेप्स चक्र कहा जाता है, कोई दिक्कत। क्रेप्स चक्र में क्या होता है, पाइरूपिक अम्ल का विघटन होता है, एक पाइरूपिक अम्ल के विघटन 18 एटीपी, दूसरे का पाइरूपिक अम्ल से 18 एटीपी, टोटल माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी बनेगा। और ये बताइए तो कोशिका में, कोशिका में, और कोशिका में क्या, कोशिका द्रव्य में 2 एटीपी, कोशिका द्रव्य में क्या गो, 2 एटीपी, और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी, टोटल मिला के क्या गो एटीपी बना, 38 एटीपी, कोई दिक्कत। 38 एटीपी से हमें कितना ऊर्जा प्राप्ति हुई, 38 एटीपी से हमें अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी हमें, ऊर्जा प्राप्त करने, अभी देखिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको ई अभिक्रिया होगा कि नहीं कोशिका में, कोई दिक्कत। ई आप अच्छे से समझ गए होइएगा, कोई दिक्कत, आप इसी को अच्छे से बताइए, ई अच्छे से लिखिए, बताइए कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं, कोशिका में होने वाले शोषण को कोशिकीय शोषण कहते हैं। कोशिकीय शोषण दो टाइप का होता है, अनऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण। अनऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन के बिना, यानी कोशिका द्रव्य में होने वाले अभिक्रिया को अनऑक्सी शोषण कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले शोषण को ऑक्सी शोषण कहते हैं। ऑक्सी शोषण में क्या होता है, ऑक्सी शोषण को, ऑक्सी शोषण में कोशिका द्रव्य में, मतलब कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंतर्गत मतलब फलस्वरूप ग्लूकोज का विघटन होती है, ग्लूकोज का विघटन होकर पाइरूपिक अम्ल, दो गो पाइरूपिक अम्ल टूट जाती है, कोई दिक्कत, इतना ही लिखना है। और साथ में 2 एटीपी का लाभ होता है। इसके बाद ऑक्सीजन शोषण किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले शोषण को ऑक्सीजन शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा पाइरूपिक अम्ल का, पाइरूपिक अम्ल को तोड़ दिया, विखंडन कर दिया जाता है, और एक पाइरूपिक अम्ल से 18 एटीपी बनता है, और 2 एटीपी पाइरूपिक अम्ल से 36 एटीपी बनेगा, कोई दिक्कत, 36 एटीपी, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा आप बताइए पाइरूपिक अम्ल मतलब ये ऑक्सीजन शोषण को खोज किसने किया था, क्रेप्स चक्र किया था, क्रेप्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए ऑक्सीजन शोषण को ही क्रेप्स चक्र बोलते हैं कि नहीं, या क्रेप्स अभिक्रिया बोलते हैं कि नहीं, आपको क्रेप्स अभिक्रिया बोले तो यही अब बता दीजिएगा कि नहीं, बताइए यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी को ही बोलते हैं क्रेप्स, क्रेप्स चक्र बोलते हैं, कोई दिक्कत। क्रेप्स चक्र कभी भी आएगा तो इतने ही लिख देना है, कोई दिक्कत। आपको क्वेश्चन बेंगे जब डिस्कशन कराएंगे आपको बताएंगे कितना क्वेश्चन सब आया हुआ है, ठीक है। आप कोशिका में कितना एटीपी बनता है,
38 एटीपी बनता है, 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनेगा, एक ग्लूकोज से कितना ऊर्जा प्राप्ति होगी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए आपको कोशिका शोषण खत्म, आपको एप्रोक्स सारा चीज खत्म हो चुका है शोषण में। थैंक यू, अच्छे से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कंफर्म कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छा लगा इसी तरह आगे के वीडियो देखते जाइए।